इससे पहले वाली भी वीडियो में हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनिंग मेथड्स हैं जिससे हम वायबल और नॉन वायबल सेल्स को चेक कर सकते हैं। तो पहला हमारा है टीटीसी स्टेनिंग मेथड, यानी कि ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इसमें 78% सोडियम होता है, 22% पोटाशियम, देन जो सॉल्यूशन है जिसमें हम ये ले रहे हैं वो है 0.05 मोलारिटी का, यानी कि 6.8 ग्राम पर लीटर। पहले हम क्या करेंगे, 0.118 एमटीटीसी को हम बफर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे, और जो सैंपल हम लेंगे कोशिका का यानी कि सेल का वो होगा 150 मिलीग्राम, उसको हम 3 मिलीलीटर टीटीसी सॉल्यूशन में 15 घंटे के लिए 30 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे। उसके बाद उन कोशिकाओं को उस सेल जो टीटीसी यानी कि जो विलयन है बफर है उसमें से निकाल के हम डिस्टिल्ड वाटर से उन सेल्स को वॉश कर देंगे। उसके बाद उनको हम सेंट्रीफ्यूज कराएंगे। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा, जो हमारा सेल मास है वो सेंट्रीफ्यूज यानी कि डेंसिटी वाइज क्या हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा, और उसको फिर हम 95% इथेनॉल के 7 मिलीलीटर बफर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेके उसे 80 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए वाटर बाथ में रख देंगे। फिर हम इस एक्सट्रैक्ट को, एक्सट्रैक्ट क्या होता है यानी कि जो एक तो होता है सुपर नेटेंट और एक होता है हमारा नीचे जो हमें सेल मास मिला है वो, तो सुपर नेटेंट को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके उसे थोड़ा ठंडा करेंगे, और फिर 95% इथेनॉल में हम उसे 10 ml का सॉल्यूशन बना के उसे रख देंगे। उसके बाद अगर हमें पिंक रंग मिल रहा है इसका यानी का मतलब है कि स्पेक्ट्रोमीटर में 530 नैनोमीटर में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। ये अलग अलग वेवलेंथ है, जैसे 680 जो वेवलेंथ है वो हम यूज करते हैं डीएनए के लिए 620 से 680 तक, वहीं 530 नैनोमीटर में हम रिकॉर्ड करते हैं प्रोटीन। तो जो फ्रोजन सेल्स है वो फॉर्मेशन की मात्रा जो है वो व्यक्त करता है, और इसकी तुलना में अगर कंट्रोल कोशिका कौन सी होती है कि जो हम स्टैंडर्ड जो हमने बनाया है यानी कि जिन सेल का हमने स्टैंडर्ड बनाया ताकि हम उसे जो बाकी की जो हमने सेल्स हैं कल्चर के लिए जो रखी थी क्रायोप्रिजर्वेशन के लिए उससे हम उसकी क्या कर सकें, टैली कर सकें या तुलना कर सकें कि पहले जो सेल्स थी वो कैसी थी और क्रायोप्रिजर्वेशन के बाद जो सेल्स आई हैं वो कैसी हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है इवांस ब्लू स्टेनिंग, यानी इवांस ने ये सबसे पहले डाई बनाई थी जिसमें हम क्या करते हैं 0.1% इवांस ब्लू स्टेन लेते हैं, उसको सेल मीडियम में ड्रॉप करते हैं, और उसमें हम फर्दर स्लाइड का यूज उसे माइक्रोफाइबर से स्लाइड पे रखते हैं, और उसके बाद माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं अगर वो जीवित कोशिका यानी कि जो सेल्स हैं वो अगर हमारी लाइव है वायबल है तो वो कलर नहीं होंगी यानी कि वो ब्लू कलर की नहीं होंगी, वो वाइट कलर की रहेंगी, जबकि मृत कोशिकाएं हैं वो ब्लू कलर देंगी, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन वायबल है कौन नॉन वायबल है। देन फर्दर जो वायबल सेल है उनको हम रीजनरेशन के लिए भेज देते हैं। देन हमारा स्लो ग्रोथ कल्चर, स्लो ग्रोथ कल्चर में हम क्या करते हैं नॉन फ्रीजिंग कंडीशन में यानी कि जो तापमान है वो बहुत ही लो रखते हैं, और अल्प पोषक यानी कि हम उन सेल्स को इतना मीडियम नहीं देते कि वो एक इनफाइनाइट सेल कल्चर में कन्वर्ट हो जाए। इनफाइनाइट सेल कल्चर तब होता है जब सेल कंट्रोल एक सेल का बंद हो जाता है और वो बिना किसी रुकावट के ग्रो करती रहती है, और
क्योंकि अगर हम इसका अल्प पोषक रख रहे हैं तो जो सेल्स हैं वो फाइनाइटली ग्रो करेंगी ना कि इनफाइनाइटली। देन जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो हम हाई रखते हैं, इसका मतलब है ऑस्मोसिस एक वही जो प्रक्रिया हम पहले बात कर रहे थे कि हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन में वाटर का मूवमेंट होता है अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो डिफरेंस है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में वो ज्यादा है, यानी कि जिससे क्या है ग्रोथ क्या हो सकती है रिटार्ड हो सकती है कम हो सकती है। और यह विधि जो है वो सबसे पहले जापानी न्यू द्वारा करीब करीब 200 साल पहले बोनसाई द्वारा बनाई गई थी, जिसमें छोटे छोटे पॉट्स में जो सेल्स हैं वो उनको हम उनको लाइवली ग्रो करवाते थे। कई कई फैक्टर्स हैं जो इस स्लो ग्रोथ कल्चर को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, लो ऑक्सीजन प्रेशर है, या हॉर्मोन्स हैं। और हॉर्मोन्स जो होते हैं वो एक्सटर्नली होंगे क्योंकि हॉर्मोन्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन सी कंडीशन है, इन विट्रो कंडीशन है। अब तापमान की बात करें तो 1 to 4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादातर हम ग्रो करवाते हैं, चाहे वो कैलस हो, प्रोहाग्र हो, कभाग हो, या फिर कंतो तक हो। इस तरह कल्चर को हम 3-4 हफ्ते तक आइडियल कंडीशन में रखते हैं, उसके बाद हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं। मोस्टली 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे हम ट्रांसफर करते हैं, और क्योंकि 32 डिग्री सेल्सियस ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है, तो इस वजह से जो ऑस्मोटिस ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी। और फिर हम उसको फर्दर 4 से 10 डिग्री सेल्सियस पर स्थानांतरित करते हैं 16 घंटों के लिए, और उसमें हम उसे 16 घंटे तक हाई सनलाइट में रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50 LX की प्रकाश तीव्रता में। और जो लो ऑक्सीजन प्रेशर है यानी कि वायुमंडलीय दाब, यानी कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाएंगे तो जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हम कौन सी जो प्रेशर है वो ऑक्सीजन का लो रख रहे हैं। देन थर्ड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स जो हम यूज कर रहे हैं यानी कि हमें अगर फ्रूट इनहेंस करना है, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट ग्रोथ, या फिर शूट या फिर रूट, उस हिसाब से हम उसमें हॉर्मोन्स डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल सक्सिनिक एसिड हुआ, हमारा 2,3-डाई मिथाइल ड्रीजाइड B9 साइक्लोसोल या ABA एब्सिसिक एसिड हुआ, ये सभी जो है वो इंटरनोड की गति को कम करके वृद्धि को मंद कर देते हैं। इंटरनोड क्या होती है, दो नोड के बीच की जगह को इंटरनोड बोलते हैं। देन हमारा आता है क्लोन। क्लोन क्या है, क्लोन कई तरीके के हो सकते हैं, या तो फैजमिट कहलाते हैं, कॉसमिट कहलाते हैं, या फिर आर्टिफिशियल लीड से हम जो है डीएनए क्लोन कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, फैजमिट जो मोस्टली क्या होता है प्लाज्मिड जिसे हम बोलते हैं, ये एक बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सिर्फ सेल डिवाइड में काम आता है। और अगर इसमें हम अपना डिजायरेबल डीएनए डाल देते हैं तो वो कई साल तक वैसे का वैसे इंटैक्ट रहता है, और जब हमें जरूरत होती है हम उसे वापस हार्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राई सोमेटिक एम्ब्रियो या फिर आर्टिफिशियल सीड। आर्टिफिशियल सीड भी हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सीड मोस्टली हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस द्वारा करते हैं, और उन्हें भंडारित यानी कि उन्हें स्टोर करने के लिए हम 4 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस पे उन्हें स्टोर करते हैं। मोस्टली ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है क्योंकि जो सीड हैं उनकी वायबिलिटी रहना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि जो हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, दो दो स्पीसीज हैं उनका डीएनए होता है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, यानी कि ये जो भी हम क्राइपोजिशन की है इसके क्या बेनिफिट्स हैं।
मोस्टली आपके एग्रीकल्चर में इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि अगर हमें डिजायरेबल क्रोमोसोम पैटर्न चाहिए तो उसको हम छोटे से स्थान पर अधिक मात्रा में संरक्षण कर सकते हैं उसका। और जैसे भ्रूण है, उत्तक है, कोशिका है, या फिर जीव द्रव्य है किसी, और अलग-अलग फसलों का हम कर सकते हैं। आगे आपके टेबल है जिसमें बताया गया है कि कौन-कौन सी स्पीशीज है जिनका हम अभी फिलहाल संरक्षण किया जा रहा है, उनका हमीकरण किया जा रहा है। सेकंड है आपका कोई भी कीट या रोग है, इनको जो भी आजकल प्लांट्स में रोग यानी कि प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, डिजीज हो रही हैं, उनको हम आने से रोक सकते हैं। और जो खरपतवार यानी कि जो वीड है, वो भी हम, वीड क्या करती है, जो नॉर्मल प्लांट ग्रोथ है उसको कम करेगी। तो कम करने से क्या होगा, जो हमारे जितना हमें प्रोडक्शन चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो खरपतवार यानी कि जो वीड है उससे भी इस अवस्था में मुक्त हमें मुक्ति मिलती है। देन थर्ड है जन द्रव्य का लंबे समय तक, जनन द्रव्य यानी कि जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है उसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। मोस्टली हमें पता है कि जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है वो सिर्फ एम्ब्रियो को सीड बनने तक ही यूज हो किया जाता है, लेकिन अगर हम इसे फर्दर टाइम के लिए स्टोर कर रहे हैं तो भी क्या होगा, ये फर्दर हमें जो स्पीशीज है उनमें काम आएगा। एंड फोर्थ है जन द्रव्य का आयात या निर्यात के उपयुक्त स्वच्छ जन द्रव्य होता है, यानी कि अगर हम कोई भी एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है उसको अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो वो ज्यादा हमारे फायदे रहेगा, जबकि अगर हम उसे कहीं से और कहीं से आयात या उसका निर्यात कर रहे हैं तो। और अगर हम क्रायोप्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो हम किसी भी मौसम में, ठंडी या फिर पाले में, जो है जो पौधे हैं उनका हम विकास कर सकते हैं। जैसे ये आपकी टेबल है, इसमें क्रायोप्रिजर्वेशन फीचर यानी कि उसके लक्षण कौन कौन से हैं, क्रायोप्रिजर्वेशन के बाद डीएनए क्लोन और स्लो ग्रोथ कल्चर का कोई टेबल बता रखा है। जैसे ये आप टेबल याद कर लीजिए, उसके बाद ये आपकी कई ऐसी स्पीशीज है जिनका क्रायोप्रिजर्वेशन हो चुका है, जैसे बर्बरिस, डिक्टोफिला, कैप्सिकम एनम, ग्लाइसिन मैक्स, जीमेज, ओराइजा स्टाइवा, निकोटियाना टेबैकम एंड प्लम्बेगिनी फोलिया। देन कई तो इनको, इन सेल्स, इनको हमने क्या किया, सेल सस्पेंडेड किया, यानी कि सेल को हमने लिक्विड मीडिया में रखा है। देन प्रोटोप्लास्ट हमने किसका लिया है, ग्लाइसिन मैक्स का, निकोटियाना टेबैकम, जीमेज, फिर हमने कैलस बनाया, गॉसिपियम, आर्बोरियम। तो आप हर तरह के कल्चर की दो दो एग्जांपल्स याद होनी चाहिए आपको। देन ये हमारा मेरिस्टम है, कायिक यानी कि सोमेटिक एम्ब्रियो है, पोलन एम्ब्रियो है, जाइगोटिक एम्ब्रियो है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपोगेशन एंड सोमा क्लोनल वेरिएशन। माइक्रो प्रोपोगेशन इज द लेटेस्ट टेक्निक दैट वी आर यूजिंग इन एग्रीकल्चर रिसर्च। एंड सिमिलरली लाइकवाइज सोमा क्लोनल वेरिएशन इज ऑल्सो यूजफुल इन दिस। सो नेक्स्ट वी आर स्टडिंग माइक्रो प्रोपोगेशन एंड सोमा क्लोनल वेरिएशन, जो कि बहुत ही ईजी है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस क्लोन्स वी हैव स्टडीड और प्रीवियस कल्चर वी हैव स्टडीड।